आपके साथ आर्यन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं क्राइम 18 न्यूज। आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। आज सैयापुर गांव में समाजवादी युवा मोर्चा की गोष्ठी में बयां किया किसानों ने अपना दर्द। समाजवादी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक यादव की अगुवाई में आज इंदरगढ़ के सैयापुर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने पिछली सरकार की अपेक्षा वर्तमान सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गैस कनेक्शन फ्री लेनी, लेकिन गैस सिलेंडर 415 से बढ़कर 930 रुपए, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का पर ढाका डालने का काम किया। वहीं महंगाई के चलते ज्यादा घरों में गैस सिलेंडर होने और वहीं मिट्टी के चूल्हे का खाना बनता है। वहीं किसानों की माने तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। वहीं कोने में रखे गैस सिलेंडर चूल्हे अच्छे दिनों की राह देखते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी युवा मोर्चा किसान का दुख दर्द बांटने में गांव-गांव जाकर समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा के अभिषेक, रोहित, सुरजीत, संजय, राहुल, शिशुपाल सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं दर्जनों में किसानों भी मौजूद रहे। हम सब लोगों ने एक भूमिका बनाई है कि अब की बार किसी भी पोलिंग बूथ पे हम ईवीएम से वोट नहीं करेंगे, ईवीएम का विरोध करेंगे और बैलेट पेपर की मांग करते हैं। यदि बैलेट पेपर से यदि करना होगी वोट डलवाए जाएंगे तो वोट देंगे, अन्यथा हम ईवीएम से पोलिंग बूथ पर एक भी वोट ईवीएम के माध्यम से नहीं पढ़ने देंगे।